मदरसों को लेकर योगी का वो फैसला जिससे कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगे हैं, क्योंकि जिहादी सोच पर योगी का बुलडोजर जो चल पड़ा है, जानते हैं कैसे। अब देखिए क्या किया योगी ने ऐसा कि पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि पूरे सूबे में गैर मदरसों की जांच के आदेश हैं। चलिए पहले देखिए आदेश क्या है और फिर बताएंगे आपको योगी सरकार के इस आदेश के मायने क्या हैं और क्यों योगी मानते हैं कि मदरसों की सूरत को बदले बिना एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता। योगी सरकार ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिया है कि अपने जिले में जिला अधिकारी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हर हाल में जरूर करवाएं। मदरसों की जांच के लिए 10 सितंबर तक की तारीख निर्धारित की गई है। टीम बनेगी, टीम 5 अक्टूबर तक सर्वे की रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। हमें मालूम है कि अब योगी के विरोधी कहेंगे योगी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मगर इस रिपोर्ट को आगे ध्यान से देखेंगे तो आप भी कहेंगे योगी कमाल का काम कर रहे हैं। और ये काम तो पूर्व के मुख्यमंत्रियों को पहले ही कर देना चाहिए था, मगर शायद वोट बैंक की मजबूरी थी। आज भी मदरसे यूपी में गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि जांच की प्रक्रिया कैसे होगी और इसका मकसद क्या है। दरअसल उन मदरसों का सर्वे किया जाएगा जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इसके लिए अधिकारियों ने पहले ही एक बैठक कर ली थी। उसमें साफ किया गया था कि सर्वे में SDM, BSA और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद इस सर्वे रिपोर्ट को जिला अधिकारी सरकार को देंगे। इसका मकसद किसी के धर्म को टारगेट करने का नहीं है। मकसद क्या है अब वो भी जान लीजिए। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाना इसका मकसद है। किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और उसमें कितने छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी हासिल की जाएगी। इन मदरसों में जिनका संचालन ठीक से नहीं किया जा रहा, उन्हें मान्यता के दायरे में भी लाया जाएगा। वहीं किन मदरसों में कहां से फंडिंग मिल रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से उन मदरसों को मान्यता दिलाई जाएगी जो इनके योग्य होंगे। इतना ही नहीं, सरकार इन मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों के बारे में भी जानकारी लेगी, जैसे कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये बताना होगा। मदरसों का सिलेबस क्या है, रिपोर्ट में ये सब कुछ जानने में मदद मिलेगी। अब आप कहेंगे कि रिपोर्ट से हासिल क्या होगा। यकीनन आपका सवाल बड़ा है, क्या हासिल होगा, अब वो भी जान लीजिए। इस रिपोर्ट से हासिल होगा कि बच्चों के मूल अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा, जैसे कि पीने का पानी और फर्नीचर से लेकर बिजली सप्लाई और शौचालयों तक की उचित व्यवस्था छात्रों के लिए की जाएगी। इन मदरसों में ये भी जांचा जाएगा कि ये सुविधा बच्चों को मिल रही है या फिर नहीं। मदरसों का संचालन कौन सी संस्थाएं कर रही है, ये भी जानने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, कई ऐसे मदरसे हैं जो NGO चला रहे हैं, इसलिए इन मदरसों की आय का स्रोत क्या है, ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 16,461 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें से 560 मदरसे सरकारी अनुदान से चल रहे हैं। पिछले 6 सालों से इस सूची में एक भी नया मदरसा नहीं जुड़ा है। यानी यूपी की सरकार, योगी की सरकार, राज्य की शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प करने की दिशा में प्रयास कर रही है। मतलब साफ है, योगी सरकार चाहती है मदरसों में तालीम हासिल करने वाले भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी में काम करें। तो ऐसे में सवाल यही कि योगी जी क्या गलत कर रहे हैं, आप खुद ही बताइए। मदरसों की जांच, मदरसों का सर्वे होना चाहिए या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।